नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं किस तरह से लेटेस्ट जो आईफोन 14 प्रो मैक्स का जो थीम है उसे किस तरह से रेडमी एंड पोको डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो। ये जो आईफोन 14 प्रो मैक्स का जो थीम है MIUI 12 MIUI 13 के साथ भी काम कर जाएगा, काफी बढ़िया बात है। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। सभी थीम्स का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने को मिल जाएगा, वहां पर जाके सभी थीम्स को डाउनलोड करना होगा। एंड थीम को अप्लाई करने के बाद फोन को एक बार जरूर से रीस्टार्ट करना जरूरी है। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी सभी जो थीम है यहाँ पर इंस्टॉल किया है, तो यहाँ पर वन बाई वन सभी थीम को अप्लाई करते। तो इस थीम का नाम है iOS 15। तो यहाँ पर MIUI 12 MIUI 13 के साथ सभी जो थीम है काम कर जाएगा। तो इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से UI देने को मिलता है। एंड यहाँ पर वॉलपेपर भी आप देख सकते हो। यहाँ पर वेदर विजर्स को ऐड किया गया है, कैलेंडर विजर्स को ऐड किया गया है, ऐप आइकॉन की अगर बात करें कुछ इस तरह से ऐप आइकॉन देने को मिल जाएगा। यहाँ पर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ भी ये जो ऐप आइकॉन है काम करता है। तो इस थीम के साथ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ भी ऐप आइकॉन काम कर जाएगा, कुछ इस तरह से ऐप आइकॉन देने को मिल जाएगा। अगर बात करें पर कंट्रोल सेंटर के बारे में, तो इस थीम के साथ कंट्रोल सेंटर के ऊपर जो कुछ इस तरह से UI देने को मिलता है, इसे भी आइकॉन को ऐड किया गया है कंट्रोल सेंटर के साथ, काफी बढ़िया बात है। अगर बात करें पर डायलर के बारे में, तो इस थीम के साथ जो है पर डायलर का जो UI है कम्प्लीटली पर चेंज हो गया है, कुछ इस तरह से डायलर के साथ UI देने को मिल जाएगा, काफी डिफरेंट UI देने को मिलता है डायलर के साथ, काफी बढ़िया बात है। अगर बात करें पर मैसेजिंग एप्लीकेशन के बारे में, तो इस थीम के साथ मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ भी चेंजेस देने को मिल जाएगा। एंड वॉल्यूम पैनल की अगर बात करें पर वॉल्यूम पैनल के साथ जो है कोई भी चेंजेस देने को नहीं मिलता है। सेटिंग्स मेनू की अगर बात करें पर जो है सेटिंग्स मेनू जो है कम्प्लीटली पर चेंज हो गया है, कुछ इस तरह से सेटिंग्स मेनू के साथ रीडिजाइन UI देने को मिल जाएगा। या फिर इस थीम के साथ जो है सेटिंग्स मेनू जो है कम्प्लीटली पर चेंज हो गया है, कुछ इस तरह से सेटिंग्स मेनू देने को मिलेगा। इसे भी ऐप आइकॉन को ऐड किया गया है, काफी डिफरेंट सेटिंग्स मेनू देने को मिल जाएगा। अगर बात करें पर माय डिवाइस के बारे में, कुछ इस तरह से इसे भी आइकॉन को ऐड किया गया है इस थीम के साथ, आईफोन का जो थीम है देने को मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पर जो है हम MIUI 11 का जो कंट्रोल सेंटर सेलेक्ट करते हैं, पर MIUI 11 कंट्रोल सेंटर के साथ जो कुछ इस तरह से UI देने को मिलता है, ये सभी ऐप आइकॉन को ऐड किया गया है कंट्रोल सेंटर के साथ सिंपली। एंड यहाँ पर MIUI 12 के साथ जो कुछ इस तरह से कंट्रोल सेंटर के साथ UI देने को मिल जाएगा, इस तरह से ऐप आइकॉन देने को मिलेगा कंट्रोल सेंटर के साथ। अगर बात करें पर लॉक स्क्रीन के बारे में, तो इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन का UI देने को मिल जाएगा। यहाँ पर टॉर्च का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर कैमरा का ऑप्शन है, एंड इस तरह से इसे भी ऑप्शन देने को मिलेगा। अब जरूर से इस थीम को चेकआउट करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट थीम की तरफ। सिंपली ये जो थीम है तो iOS 15 का स्टेबल वर्जन 2 है। सिंपली इस थीम के साथ भी कुछ सिमिलर UI देने को मिल जाएगा। तो ये जो थीम है अप्लाई हो गया है। तो इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से UI देने को मिलता है, यहाँ पर जो है डॉक को ऐड किया गया है, यहाँ पर ऐप आइकॉन के साथ कुछ इस तरह से UI देने को मिल जाएगा। यहाँ पर अलग अलग विजेट्स को ऐड किया गया है, पर डिजिटल क्लॉक का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। इस तरह से यहाँ पर जो है UI देने को मिल जाएगा, पर विजेट्स को ऐड किया गया है। एंड पर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ भी ये जो थीम में काम कर जाएगा, काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर कुछ इस तरह से डॉक का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर जो है सिस्टम एप्लीकेशन के ऊपर जो कुछ इस तरह से UI देने को मिल जाएगा। अगर बात करें पर कंट्रोल सेंटर के बारे में, यहाँ पर जो है MIUI 12 के साथ कंट्रोल सेंटर के ऊपर कुछ इस तरह से UI देने को मिलता है, इसे भी आइकॉन को ऐड किया गया है कंट्रोल सेंटर के ऊपर, काफी बढ़िया बात है। पर ब्राइटनेस बार का ऑप्शन है। अगर बात करें पर डायलर के साथ जो है, पर डायलर के साथ कुछ इस तरह से UI देने को मिल जाएगा, पर डायलर का जो UI है काफी डिफरेंट है, काफी यूनिक डायलर का UI देने को मिलेगा। पर मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ भी चेंजेस देने को मिलेगा, यहाँ पर वॉल्यूम पैनल के साथ भी यहाँ पर जो चेंजेस देने को मिल जाएगा। इस थीम के साथ वॉल्यूम पैनल के साथ भी चेंजेस देने को मिलता है। अगर बात करें पर सेटिंग्स मेनू के बारे में, यहाँ पर जो सेटिंग्स मेनू जो है कम्प्लीटली पर चेंज हो गया है, कुछ इस तरह से सेटिंग्स मेनू के साथ UI देने को मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐप आइकॉन देने को मिलेगा सेटिंग्स मेनू के साथ। पर जो सेटिंग्स मेनू के साथ जो UI है कम्प्लीटली पर चेंज हो गया है, पर माई डिवाइस के ऊपर कुछ इस तरह से ऐप आइकॉन को ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। पर जो सेटिंग्स मेनू है कम्प्लीटली पर चेंज हो गया है। सिंपली हम यहाँ पर MIUI 11 का जो कंट्रोल सेंटर सेलेक्ट करते हैं, पर MIUI 11 कंट्रोल सेंटर के साथ जो है कुछ इस तरह से UI देने को मिल जाएगा। इसे भी ऐप आइकॉन को ऐड किया गया है MIUI 11 कंट्रोल सेंटर के साथ। अगर बात करें पर लॉक स्क्रीन के बारे में, तो इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन का UI देने को मिल जाएगा।
यहाँ पर जो डॉक का जो ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है लॉक स्क्रीन के ऊपर, कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन के ऊपर यूआई देने को मिलता है इस थीम के साथ। इसे आप चाहते हो चेकआउट करके देख सकते हो, ये सभी एनिमेशन को ऐड किया गया है इस थीम के साथ। तो बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट थीम की तरफ, जो नेक्स्ट जो थीम है नेक्स्ट थीम को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो थीम है दोस्तों आईफोन 13s का थीम है। सिंपली इस थीम को अप्लाई करने के बाद फोन के बजाय उससे रीस्टार्ट करना होगा, तो सभी जो थीम है सभी प्लेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। तो ये जो थीम है अप्लाई हो गया है इस थीम के साथ, कुछ इस तरह से सरस भर का जो यूआई देने को मिलता है, पर बैटरी परसेंटेज ब्लूटूथ का जो आइकॉन है कुछ इस तरह से देने को मिल जाएगा। तो इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से अभी ऑप्शन को ऐड किया गया, पर स्मॉल विजेट्स का ऑप्शन है, प्लस बच्चे डिजिटल क्लॉक का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, कुछ इस तरह से यूआई देने को मिलता है। तो यहाँ पर इस थीम के साथ जो काफ़ी बढ़िया यूआई देने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से ऐप आइकॉन देने को मिलता है, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया ऐप आइकॉन देने को मिल गया है, प्लस बच्चे डॉक का जो ऑप्शन है इसमें ऐड किया गया है, एंड कुछ इस तरह से इस थीम के साथ यूआई देने को मिलेगा। अगर बात करें डायलर के बारे में, तो इस थीम के साथ जो है यहाँ पर डायलर के ऊपर कुछ इस तरह से ऑप्शंस को ऐड किया गया है। ये सभी जो ऑप्शंस है पर काम नहीं करते हैं, तो पर कुछ इस तरह से ये सभी ऑप्शंस है यहाँ पर डायलर का जो यूआई है कुछ इस तरह से देने को मिल जाएगा। पर मैसेजिंग एप्लीकेशन की अगर बात करें कुछ इस तरह से मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ भी यहाँ पर जो है चेंजेस देने को मिल गया है, एंड यहाँ पर वॉल्यूम पैनल के साथ कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर बात करें पर कंट्रोल सेंटर के बारे में, तो इस थीम के साथ जो है पर कंट्रोल सेंटर के ऊपर जो कुछ इस तरह से यूआई देने को मिलता है, पर जो कंट्रोल सेंटर का जो यूआई है काफ़ी डिफरेंट है। सेटिंग्स मेनू की अगर बात करें इस थीम के साथ जो पर सेटिंग्स मेनू का जो यूआई है कम्प्लीटली पर चेंज हो गया है, पर डिफरेंट सेटिंग्स मेनू का जो है यूआई देने को मिल जाएगा, एंड कुछ इस तरह से इस थीम के साथ जो पर ऐप आइकॉन देने को मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपली MIUI 12 का जो कंट्रोल सेंटर सेलेक्ट करते हैं, पर MIUI 12 कंट्रोल सेंटर के साथ जो कुछ इस तरह से यूआई देने को मिलता है, तो पर कंट्रोल सेंटर के ऊपर जो कुछ इस तरह से यूआई देने को मिल जाएगा इस थीम के साथ। ये सभी ऐप आइकॉन को ऐड किया गया है इस थीम के साथ, काफी बढ़िया बात है। अगर बात करें लॉक स्क्रीन के बारे में, तो इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन का जो है यूआई देने को मिलेगा, पर जो लॉक स्क्रीन का जो यूआई है काफी बढ़िया है, कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन का यूआई देने को मिल जाएगा इस थीम के साथ। एंड इस तरह से जो कंट्रोल सेंटर को भी ऐड किया गया है, पर जो फ्लैश लाइट को एनेबल करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, इससे जो ऑप्शन से काम कर जाएगा कुछ इस तरह से। इस थीम के साथ कंट्रोल सेंटर को भी ऐड किया गया है, पर बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन है। तो इस थीम के साथ जो काफी बढ़िया यूआई देने को मिल जाएगा, पर जो कंट्रोल सेंटर को भी ऐड किया गया है इस थीम के साथ। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट थीम की तरफ, सिंपली ये जो थीम है आईफोन 14 प्रो मैक्स का थीम है। सिंपली इस थीम को अप्लाई करने के बाद फोन के ऊपर से रीस्टार्ट करना होगा। थीम जो है पर अप्लाई हो गया है, एंड थीम अप्लाई होने के बाद जो कुछ इस तरह से यूआई देने को मिल जाएगा, पर डॉक का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर वेदर विजेट्स को ऐड किया गया है, पर कैलेंडर विजेट्स का ऑप्शन है, कुछ इस तरह से ऐप आइकॉन को ऐड किया गया है, पर वेदर गैलरी नोट्स फाइल पर जो मैसेज एप्लीकेशन डायलर हो जाए तो कम्प्लीटली पर चेंज हो गया। पर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ भी ये जो थीम है काम कर जाएगा। डायलर की अगर बात करें पर डायलर के साथ कुछ इस तरह से यूआई देने को मिलता है, पर कुछ कुछ ऑप्शन काम नहीं करता है, एंड यहाँ पर मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ जो कुछ इस तरह से यूआई देने को मिल जाएगा। सेटिंग्स मेनू की अगर बात करें, पर सेटिंग्स मेनू के साथ जो पर कम्प्लीटली पर रीडिजाइन सेटिंग्स मेनू देने को मिल जाएगा, इस तरह से ये सभी ऐप आइकन को ऐड किया गया है सेटिंग्स मेनू के ऊपर। अगर बात करें पर माई डिवाइस के बारे में, कुछ इस तरह से ये सभी आइकन को ऐड किया गया है माई डिवाइस के ऊपर, काफी बढ़िया बात है। इस तरह से सेटिंग्स मेनू जो है पर कम्प्लीटली पर चेंज हो गया है। अगर बात करें पर कंट्रोल सेंटर के बारे में, पर जो है MIUI 12 के साथ कुछ इस तरह से कंट्रोल सेंटर के साथ यूआई देने को मिल जाएगा, ऐसे भी ऐप आइकन को ऐड किया गया है MIUI 12 के साथ, काफी बढ़िया बात है। पर कंट्रोल सेंटर का जो यूआई है काफी बढ़िया है। अगर बात करें पर MIUI 11 को सिलेक्ट करते पर MIUI 11 के साथ जो पर कंट्रोल सेंटर के ऊपर कुछ इस तरह से यूआई देने को मिल जाएगा। अगर बात करें पर लॉक स्क्रीन के बारे में, इस थीम के साथ जो पर कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन देने को मिलेगा, पर फ्लैश लाइट का ऑप्शन कैमरा का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, एंड इस तरह से पर जो कंट्रोल सेंटर भी देने को मिल जाएगा, पर फ्लैश का जो ऑप्शन से काम करता है, पर ब्लूटूथ का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। तो पर जो कंट्रोल सेंटर भी काम कर जाएगा इस थीम के साथ, जो पर कंट्रोल सेंटर को भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। आप डेफिनेटली इस थीम को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट थीम की तरफ, नेक्स्ट जो थीम है नेक्स्ट थीम को अप्लाई करते हैं। सिंपली इस थीम को अप्लाई करने के बाद फोन को रीस्टार्ट करना होगा। MIUI 12 MIUI 13 के साथ ये जो थीम है काम कर जाएगा। ये जो थीम है उसको अप्लाई हो गया है, तो इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से यूआई देने को मिल जाएगा, पर डॉक का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है ब्लर को सिलेक्ट कर सकते हो, अलग अलग जो वॉल पर है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। ब्लर यहाँ पर जो है ब्लर को भी ऐड किया गया है, ब्लर का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, प्लस जो है डॉक का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है डॉक को आप रिसाइज भी कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है, कुछ इस तरह से डॉक को भी ऐड किया गया है इस बिल्ड के साथ। इसे आप जाओ तो चेकआउट करके देखो, कुछ इस तरह से यूआई देने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर
कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है इस थीम के साथ, काफ़ी बढ़िया बात है। एंड ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल है। एंड यहाँ पर विजेट्स का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, कुछ इस तरह से ऐप आइकॉन देने को मिल जाएगा इस थीम के साथ। एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ भी जो ऐप आइकॉन है काम करता है, काफ़ी बढ़िया बात है। कॉन्ट्रोल सेंटर की अगर बात करें पर MIUI 11 कॉन्ट्रोल सेंटर के साथ जो कुछ इस तरह से UI देने को मिल जाएगा, इसे भी ऐप आइकॉन को ऐड किया गया है इस थीम के साथ। तो यहाँ पर MIUI 11 के साथ जो कुछ इस तरह से कंट्रोल सेंटर का जो है UI देने को मिल जाएगा इस बिल्ड के साथ। तो पर कंट्रोल सेंटर का जो UI है काफ़ी बढ़िया है। डायलर की अगर बात करें कुछ इस तरह से डायलर के साथ UI देने को मिलता है। एंड मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ भी यहाँ पर जो है चेंजेस देने को मिल जाएगा। अगर बात करें पर वॉल्यूम पैनल के बारे में, वॉल्यूम पैनल के साथ कोई भी चेंजेस नहीं है। सेटिंग्स मेन्यू के ऊपर जो सेटिंग्स मेन्यू है कम्प्लीटली पर चेंज हो गया है। यहाँ पर माई डिवाइस को कुछ इस तरह से ऐप आइकॉन देने को मिल जाएगा। यहाँ पर सिंपली MIUI 12 का जो कंट्रोल सेंटर सेलेक्ट करते हैं, पर MIUI 12 कंट्रोल सेंटर के साथ जो कुछ इस तरह से UI देने को मिलेगा, इसे भी ऐप आइकॉन को ऐड किया गया है, काफ़ी बढ़िया बात है। अगर बात करें पर लॉक स्क्रीन के बारे में इस थीम के साथ, जो यहाँ पर लॉक स्क्रीन के साथ कुछ इस तरह से UI देने को मिल जाएगा। पर कैमरा का ऑप्शन है, यहाँ पर कंट्रोल सेंटर को भी ऐड किया गया है, काफ़ी बढ़िया बात है। आपको कौन सा थीम सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा है जरूर से कमेंट करके बोल सकते हो। एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। एंड MIUI थीम्स का जो प्लेलिस्ट है ऑफर जगह, अलग अलग MIUI थीम का जो वीडियो है उसे भी आप चेकआउट करके देखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।